नमस्ते, मेरा बिहंगराज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पक्षियों के शरीर पर कृमियों के दुष्प्रभाव और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। कृमि हो तो पक्षी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है, पंछी की मौत भी हो सकती है। वर्म्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज पिन वर्म्स, टेप वर्म्स, हुक वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, स्ट्रंगाइल वर्म्स, नेमोटेड, एस्करिस एट्सेट्रा। एस्करिस आर व्हाइट इन कलर। एस्करिस आकार में भी काफी बड़े हैं। दूसरे प्रकार का वर्म है नेमोटेड। वे धागे की तरह है। इट कैन बी बोथ ऑफ मेल और फीमेल। पक्षी भोजन के लिए हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी चीज से पक्षी भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए पक्षी के पानी के कटोरे, खाने के कटोरे आदि को अच्छी तरह साफ करने की जरूरत है। और एक बात का ध्यान रखें कि डीवर्मिंग करने से 2 दिन पहले लीवर टॉनिक देना है और कृमिनाशक मेडिसिन देने के बाद 2 दिन तक लीवर टॉनिक देना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 दिन तक मल्टीविटामिन का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। पहली दवा है एल्बोमर, दूसरी दवा है पाइपरजाइन। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब मैं डोज के बारे में बताऊंगा। 2 लीटर पानी में 8 से 10 ml मिलाएं। आप पक्षियों के बॉडी वेट के अनुसार कम या ज्यादा दे सकते हैं। लक्षणों के अनुसार आप होम्योपैथिक दवा का उपयोग कर सकते हैं। यदि पुप्स में अनडाइजेस्टेड सीड्स का भाग दिखाई दे, रक्तल्पता हो या मल में कीड़ा हो तो चाइना यूज करें। अगर टेप वर्म हो तो फिलिक्स मास मदर यूज करें। ये टेप वर्म में बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरी मेडिसिन है चेलोन ग्लब्रा मदर। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथी में एक और ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है एसबीएल कंपनी का वर्मरिड ड्रॉप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।